नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज। अंदेशक न्यूज आपके संघर्ष का साथी। अंदेशक शिक्षा मित्र और शिक्षकों के लिए यहाँ पर एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है। क्या है वो बिग ब्रेकिंग न्यूज? जैसा कि आप सभी जानते हो, अंदेशक शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण और पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक धरना प्रदर्शन किया गया था। प्रेरक से समाचार, पुरानी पेंशन बहाली, अंदेशक एवं शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण, सातवें वेतन आयोग की वेतन विसंगति दूर करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक विरोधी बिंदुओं को हटाए जाने की मांग को लेकर प्रसिद्ध शिक्षकों ने मंगलवार को भी सिविल लाइन्स स्थित पत्थर गिरजाघर के पास धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अंधशिक्षकों को नियमितकरण, अंधशिक्षक और शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण और शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें समस्त मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए निवेदन किया गया है, अपनी आवाज़ उठाई गई है। एक और समाचार, लखनऊ से शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने विधानसभा में विधायक प्रसन्न कुमार और मनोज कुमार पारस के एक सवाल के जवाब में बताया कि परिषदीय स्कूलों में करीब 63,000 पदों को भरा जा सकता है, यानी शिक्षकों के पद खाली हैं, यानी 63,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। इसमें ग्रामीण स्कूलों में 51,112 और शहरी स्कूलों में 12,149 पद खाली है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 588,084 पद सृजित हैं। प्रदेश में अंधेरे शिक्षा समेत कुल 6,28,915 शिक्षक कार्यरत हैं। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शिक्षा विभाग से आ रही है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो, बेसिक शिक्षा विभाग में जूनियर शिक्षकों की जाएगी लाखों रुपए की रिकवरी। शिक्षा विभाग के आदेश से अध्यापक परेशान। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अंधेशकों के साथ ये सीन पहले भी हो चुका है। अंधेशकों का मानदेय 8,477 घटाकर 7,000 कर दिया था, और जो भी मानदेय मिला था एक साल में उसकी रिकवरी कर ली गई थी। ऐसे ही अब शिक्षकों की रिकवरी की जाएगी, ये समाचार वायरल हो रहा है। अफसरों के गलत फैसलों की वजह से विशेष शिक्षा विभाग में जूनियर में जो शिक्षक तैनात किए गए हैं उनसे रिकवरी की जाएगी, और ये खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ेगा। गलती अफसरों की भुगतें जूनियर्स के टीचर। हाईकोर्ट के आदेश पर सुनवाई की गई, जिसमें रिकवरी की जाने की बात कही गई है। तो साथियों, आपने देखा वैश्विक शिक्षा विभाग से हमारे चैनल पर ये खास बुलेटिन, खास समाचार। अब मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।